मेडला जब भारत में आया, पहले साल भाई की सेल ही नहीं हुई, घबरा गया, बोले यार मैं गलत मार्केट में आ गया यार। तुम्हारे लिए आलू टिक्की लेके आया 20 रुपए में, तुम आलू टिक्की भी नहीं ली उसकी 20 रुपए में। बर्गर खाना है, ठेले पे खड़े हो जाओ जाके, ठेले पे वो बंदा खड़ा रहेगा, ठीक है, वो ऐसे हाथ से यूं ही पहुंचता रहेगा, उसी से बना के देता रहेगा, इसी के खाना है, वो प्लेट पे थोड़ा गंदा लगा हुआ है तो साफ कर ले, खा ले यार। इंडिया वर्सेस भारत, इंडिया वर्सेस भारत क्या कहता है भाई कि भारत का जो विकास है ना वो थोड़ा अनइवन सा है। जैसे हम कहते हैं भारत की ग्रोथ हो रही है, लेकिन स्टेट वाइज देखे तो बोले यार गुजरात तो आगे ही जा रहा है, अरे यार बिहार में तो कुछ नहीं हुआ यार, यार इधर देखो मुंबई ने क्या कर दिया, लेकिन यार बंगाल में कुछ नहीं हुआ यार, महाराष्ट्र में मुंबई शहर तो क्या ग्रो कर रहा है यार, लेकिन इसका एक शहर अकोला यार वो थोड़ा कम कर रहा है यार। बिहार में ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ खराब है, पटना की ग्रोथ तो देखो। तो यहाँ पे पूरे देश में कुछ हिस्से हैं जहाँ बहुत तेजी से ग्रोथ है, कुछ में कम है। कुछ स्टेट में चले जाओगे तो कुछ जिले तेजी से ग्रो कर रहे हैं, कुछ कम है। उस जिले में जाओगे तो कुछ गांव तेजी से ग्रो कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। आर्थिक विषमता बहुत है भाई साहब, उससे हमारा क्या लेना देना, लेना देना यह है। इसलिए हमारे देश में दो तरह के लोग हुए, एक हो गया इंडिया, एक हो गया भारत। इंडिया कौन है भाई? टॉप 30 मिलियन लोग। भारत में 140 करोड़ में 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बिहेवियर वाइज इंडियन है ही नहीं। बिहेवियर वाइज इंडियन बिहेवियर क्या था? टाइम बहुत है, पैसा नहीं है, ये ऐसे नहीं है, वैल्यू फॉर मनी चाहिए नहीं चाहिए, देख देख के खर्च करना है नहीं करना, दुनिया के लिए खर्च करेंगे खुद के लिए नहीं करेंगे, नहीं भाई खुद के लिए भी करेंगे। ये वो आदमी है जो टिपिकल इंडियन बिहेवियर है ना, आम भारतीय नागरिक का बिहेवियर, वो इनका नहीं है। इनका बिहेवियर थोड़ा विदेशी टाइप, बोले अपन कहते ना थोड़े कोई ज्यादा पैसा, अरे ये तो थोड़ा इसके चोचले थोड़े अलग ही हैं, थोड़े से चोचले वाला आदमी है थोड़ा सा यार, ये उनकी बात हो रही है। माल इनको भी बेचना है अपने को, तो देख लेते हैं इनके बारे में। ये कहते हैं ये इंडियन है ही नहीं बिहेवियर में, ये कहते हैं पैसा भी बहुत है, टाइम की कमी है, नेटफ्लिक्स अमेजन सबके सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, देखते कुछ भी नहीं है। अपने कहते हैं सब्सक्रिप्शन एक का भी नहीं है, पासवर्ड मांग के देखते सब है। इंडियन आदमी कह रहा है, शुद्ध भारतीय आदमी कह रहा है, एक के भी पैसे नहीं देता पर देखता सब हूं। जी का पासवर्ड इनसे मांग लिया है, नेटफ्लिक्स का इनसे मांग लिया, प्राइम का उससे मांग लूंगा, पिक्चर सारी देखूंगा, पैसे एक नहीं दूंगा। ये कहता है मैंने खरीद सब रखा है, देखने का टाइम नहीं मिलता भाई। ये स्विगी से खाना मंगा लेता है, 2 चम्मच खाई पसंद नहीं आई छोड़ दी। वो बंदा कह रहा है उसका कचौरी को भी चाट रहा है, तो वो वाला सिस्टम नहीं है इधर। तो ये कैश रिच भी है, टाइम पूरा है, इसको कन्वीनियंस चाहिए, ये पैसे देने को तैयार आदमी है। इस भाई को बेचो तुम हाई टिकट, बेचो 1.5 लाख का फोन ये लेगा, बेचो एक काम करो तुम 10,000 की शर्ट लाओ ये लेगा, तुम एक काम करो 25,000 का बैग लाओ ये अभी लेने को तैयार है। तुम बेचो तो सही, तुम बढ़िया चीज बनाओ, ब्रांड बनाओ, लग्जरी बनाओ, हाई एंड बनाओ, टॉप एंड बनाओ, 10 गुना मार्जिन लो, 2,000 की साड़ी 20,000 में बेचो, ये आके लेके जाएगी मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉप 3 करोड़ लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हारा ये प्रोडक्ट है, ये टारगेट ऑडियंस है, मक्खन है, बस इनको क्या चाहिए ये वाला चीज समझ लो और निकालो। कन्वीनियंस दो, पैकेजिंग अच्छी दो, ब्रांड अच्छी दो, कन्वीनियंस दो, माहौल दो, और बेचो 5 गुना 10 गुना, कोई दिक्कत नहीं है। ये राजी राजी दे रहे हैं, बल्कि इनसे अगर तुमने कम पैसे मांगे नाराज हो जाएंगे। 2,000 की साड़ी जो तुम्हारे घर में पड़ती है, तुमने इसको 20 में बेची तो लेगा, और तुमने कहा 5,000 की तो बोलेगा नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, 5,000 में थोड़ी साड़ी आती है, इससे लेना ही नहीं, इससे नहीं लेंगे, 5,000 में कोई साड़ी आती है क्या, कुछ तो गड़बड़ होगी, ये सस्ता ही लेने को तैयार नहीं है, इसको सस्ता देख के डर लगता है कि तो कुछ गड़बड़ है, इसको चाहिए ही महंगा। और जो भारत है पैसा भी ये कह रहा है भाई 100 करोड़ लोग हैं, हमको तो भैया छोटे छोटे साइज में दे दो, सस्ते सस्ते प्रोडक्ट दे दो, हमको पैसा बचाने का शौक है, हमको पैसे को देखते हैं, हम क्वालिटी जरूर देखते हैं लेकिन पैसा भी देखते हैं। ऐसे नहीं कि तुम क्वालिटी दिखा के कि साड़ी बहुत सुंदर है तो 5,000 दे दो, यार है ही नहीं 5,000, कैसे 3,000 देंगे, साड़ी चाहे थोड़ी कम सुंदर दे दो पर पैसे 3,000 ही देंगे। पैसे पे फोकस है, क्वालिटी पे नहीं। फ्री का ऑफर दो भाई साहब, बताओ कोई फ्री ऐप डाउनलोड करवाना इनके पास चले जाओ, कितना फ्री ऐप डाउनलोड चाहिए। ये बिगेस्ट मार्केट है, पूरी जितनी भी कंपनीज है ना वो इन 100 करोड़ लोगों के पीछे पड़ी है कि तुम्हारी आदत बदल दो।
हमने इंडिया में घुस के माल बेचा 3 करोड़ लोगों को, वो तो मस्ती से खूब ले ही रहे हैं, ये 100 करोड़ लोग साले ले नहीं रहे, और अगर ये लेने लग जाए तो मजा कितना आ जाए। तो आप सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, नेटफ्लिक्स के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा, हीरो के द्वारा, हीरोइन के द्वारा, सब द्वारा फोकस किया जा रहा है कि यार इनकी हैबिट बदल जाए, अगर ये थोड़ा उधर आ जाए ना तो मजा आ जाए। पर मुझे बाकी बड़ी कंपनी जितनी नॉलेज तो नहीं है, बाजार में रहता हूं तो जो जमीनी पकड़ के नॉलेज है, ये जिंदगी में वैसे तो कभी नहीं होंगे लेकिन बीच में जरूर आ जाएंगे। ये 2000 की साड़ी 20000 में तो नहीं लेगा, लेकिन ठीक ब्रांड बनाओगे 5000 तक तो ये सरक जाएगा, क्योंकि ये जो कोर आदमी है ना ठेठ, ये तो नहीं सरक रहा, पर इसका बेटा बाइंग जोन में आ गया, ये तो खरीद नहीं रहेगा लेकिन इसे बेटा बाइंग जोन में है, बेटे को पता ही नहीं कि इसने क्या क्या झेला है, वो तो ठीक ठाक माहौल में आया, बोला ठीक है जिंदगी, थोड़े पैसे तो कम है, क्रेडिट कार्ड पे ले लेंगे। तो ये भी धीरे धीरे बदलेगा तो सही, तो बीच का जो रास्ता आएगा ना अपन को वो पकड़ना है। तो बीच का रास्ता मैं आपको पकड़ने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो तुम जो प्रीमियम प्रोडक्ट बेचोगे ना वो लेने वाले 3 करोड़ ही है, 3 करोड़ सारे तो बेचोगे नहीं, उसमें से भी 2% लोगों को माल बेचा, 6 लाख कस्टमर बनेंगे जीवन भर में, पैसा खूब कमा के देंगे नो डाउट, कि यहाँ पे स्कोप देखो ना यार, यहाँ स्कोप देखो। रिलैक्सो कह रहा है मैं तो 80-100 रुपए में चप्पल दे देता हूँ, 100 रुपए की चप्पल देता है रिलैक्सो, ये लोग लेते हैं दबा के रिलैक्सो। अब रिलैक्सो 100 से 150 भी चल जाएगा तो भी ये ले लेंगे, 200 तक भी ले लेंगे, 250 तक भी ले लेंगे, स्कोप रिलैक्सो के पास ज्यादा है, मोची के पास कम है। मोची कह रहा है यार मैं 10,000 रुपए की एक चप्पल दे रहा हूँ, मोची अपना वो वाला मोची नहीं ब्रांड, मोची हश पपी जो ब्रांड है उसके पास स्कोप कम है, 10,000 का जूता बेचते हैं, लेने वाले ही 10,000 लोग हैं, तो उसमें जा सकते हैं। भारत के साथ कैसे डील करें बताओ, भारत के साथ कैसे डील करेंगे, भारत के साथ डील करनी है तो भारत के साथ एंट्री लेनी पड़ेगी छोटी, भारत बड़े प्रोडक्ट में एक बार में घुसेगा ही नहीं। मैकडॉनल्ड जब भारत में आया पहले साल भाई की सेल ही नहीं हुई, वो घबरा गया, बोले यार मैं गलत मार्केट में आ गया यार। मैकडॉनल्ड ने खूब स्टडी करी, खूब रिसर्च करी, और यार तुम्हारे लिए आलू टिक्की लेके आया 20 रुपए में, और तुम आलू टिक्की भी नहीं ली उसकी 20 रुपए में पहले साल। वो नाराज हो गया, बोले यार भाई साहब क्या लोग हैं यार, ये 20 रुपए में आलू टिक्की दे रहा हूँ ले क्यों नहीं रही, ये चक्कर क्या है। फिर रिसर्च की, मार्केट रिसर्च की, पता चला इंडियन को इतने साफ सुथरी जगह की आदत ही नहीं है। भाई इंडिया को पता है कि भाई बर्गर खाना है ठेले पे खड़े हो जाओ जाके, ठेले पे वो बंदा खड़ा रहेगा ठीक है, वो ऐसे हाथ से यूं ही पहुंचता रहेगा, उसी से बना के देता रहेगा, इसी के खाना है। अब वो प्लेट में थोड़ा गंदा लगा हुआ है तो साफ कर लो खा लो यार, बहुत ज्यादा हाइजीन की भी टेंशन नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा टेंशन नहीं है, ऐसे ही तो मिलता है। ढाबे पे भी चले जाओगे तो कोई वीआईपी एक्सपीरियंस मिला गया अपने को, ढाबे में गए लाइन में खड़े हो जाओ, वो आएगा जब भी आएगा, टेबल साफ कर दी, प्लेट दे गया, रोटी आ रही है वो रोटी की जेट लेके आ रहा है, कोई वीआईपी एक्सपीरियंस की आदत ही नहीं थी, हमें आदत थी नहीं, व्यापारी को थी नहीं। अब उसने जब पहली बार मैकडॉनल्ड्स में गया, बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग है, एसी एसी चल रहा है, लाइट वाइट चल रही है, कांच की सी बिल्डिंग है, इसमें कुछ देते हैं क्या, पता नहीं अंदर जाऊं तो पता पड़े, मैं अंदर ही नहीं जा रहा। इस केस स्टडी से मैं बहुत क्लोजली क्यों रिलेटेड हूं कि मुझे शायद फर्स्ट ईयर तक ऐसा लगता था कि अंदर घुसने के पैसे लगते होंगे तो मैं अंदर ही नहीं जाता मैं अगर अंदर जाए कल को कोई गेट पे पैसे मांग ले तो कि भैया अंदर आए पैसे दो, नहीं यार अंदर जाने कितना महंगा सामान हो, अपन अंदर घुस जाए बोले इतना महंगा है और नहीं देने अपन को, आप बिठा के बर्तन धुलवा ले तो अपने से, नहीं यार। तो आदमी डर के मारे अंदर नहीं जा रहा, बोले अंदर नहीं जा रहे यार भाई साहब। तो मैकडॉनल्ड ने कहा अंदर आएंगे तो पता पड़ेगा। तो फिर मैकडी ने कहा सुनो 5 रुपए में आइसक्रीम खिलाओ, पेपर में एड दे दो आज ही मैकडॉनल्ड में आइए 5 रुपए में आइसक्रीम खाइए। अब 5 रुपए की आइसक्रीम तो बंदे की खाने की आदत है, 5 रुपए की तो खा लेंगे भाई। मैकडॉनल्ड गए अंदर तो आए, बोले सलाह तो अंदर ही नहीं आ रहा। कोई नहीं, वो बेचारे खुद ही बाहर आ गए, एक कांच में से बोले तुम बाहर ले लो यार, खड़े रहो यहाँ पे। फिर उसको ऐसे दी, बोले भैया वो लेके जा रहा है, भैया कहाँ जा रहे हो? भाई जा रहा हूँ ले ली मैंने, जा रहा हूँ। नहीं बेटा आप अंदर बैठ के भी खा सकते हो। अंदर बैठ सकते हैं? बोले ओ। तो वो अंदर एसी में आगे डरते डरते, हाँ भाई 5 रुपए की चीज लेके अंदर एसी में बैठने देते हैं, कल तू भी चलना मेरे साथ, तेरे को एसी में बिठा के लाता हूं। तो 5 रुपए के चक्कर में धीरे धीरे लेने लगा, फिर अंदर बैठने लगा। एक बर्थडे पार्टी है, 2 बर्गर मंगाएंगे लेकिन 10 जने बैठेंगे। मैकडॉनल्ड वालों ने खूब झेला, बोले यार तुम करो रे तुम बैठे रहो यार, तुम सालों एसी की हवा खाने आ रहे हो यार, तुम साला 12 बजे आ जाते हो, 5-5 बजे तक जाते ही नहीं हो, साला 2 बर्गर ऑर्डर नहीं किए तुमने, पर कोई नहीं
खून का घूट पी के झेला, लेकिन धीरे धीरे पता चला भीड़ रहने लग गई, अब तो इसकी पार्टी दे तो उसकी पार्टी दे, धीरे धीरे आदमी खुला, सेल बनी। तो शुरुआत में जो 5 रुपए की चॉकलेट बेची थी उनके खुद के 8 रुपए की पड़ रही थी, हर आइसक्रीम पे 3 रुपए का लॉस था, लेकिन इसलिए खा रहे थे आने तो दे आने तो दे आने तो दे, आएगा बाद में सब रिकवर कर लेंगे। आज देखा ना अपन ने 165 करोड़ प्रतिदिन का प्रॉफिट आन रहे। आप बोले तुम बर्गर भी ले तो ये भी ले तो वो भी ले, तो भारत के साथ क्या होगा? भारत को आप बोलोगे ना 10,000 का माल नहीं लेगा भारत, ये नहीं, नहीं भारत को बोल भाई कुछ कुछ ले यार, तू 150 रुपए की चीज ले यार, तू 50 रुपए की चीज ले यार, तू 300 रुपए की चीज ले। उसको ऐसा मिलना चाहिए कि मुझे जो चीज दी जा रही है, जैसे 5 रुपए की आइसक्रीम लेके जब वो अंदर बैठा तो उसने कहा यार ये कौन होगा 2 रुपए का तो, अरे क्रीम क्रीम है 5 रुपए की, 7 रुपए की तो आइसक्रीम लग रही है, 10-1 रुपए की मैं हवा भी खा रहा हूँ और बैठा भी हूँ 2 घंटे, और भाई साहब फिर तो सस्ती पड़ी अपने। तो जब उसको लगा ना ये सस्ती पड़ी तो वो एक बार आया, 2 बार आया, 5 बार आया, 10 बार आया, वो आएगा। उसको अगर लग गया ना कि यार ये तो 1 रुपए का कौन है, 8 ठन्ने की मिठाई है, अरे यार ये 2 रुपए की चीज के 5 ले लिए, वो दोबारा आएगा ही नहीं। तो भारत को पहले देनी पड़ती है भर भर के वैल्यू, लालच नहीं वैल्यू। जो भी आप चीज दे वो बंदे पैसा खर्च करके दुख नहीं पाना चाहिए, पैसा खर्च करके मजा आना चाहिए। पैसा खर्च करके मजा आ गया, वो आपके अंदर घुस गया, फिर आप बोलो क्या चाहिए। फिर आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं, बर्गर अगर वो मैकडोनल्ड आइसक्रीम खिला के बेच देता तो मैकडोनल्ड को बर्बाद कर देते अपन लोग, लॉस ही लॉस में, आइसक्रीम खिलाता आइसक्रीम लॉस में। उसने कहा आइसक्रीम का लॉस बर्गर में निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट कोको कोला में है, फिर फ्राइज में तो पूरा ही माल है, एक आलू के 100 रुपए ले रहे हैं अपन तो। फ्राइज क्या है, एक आलू का फ्राइज होती है वो, तो एक आलू की चीज के 100-150 रुपए ले लिए तुमसे, मार्जिन तो उसी में। बोले यार सब प्राइस में कमा लेंगे, तू छोड़ तू तो आड़ दे। तो प्रोडक्ट आपके पास मल्टीपल होने चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो भारत के साथ, छोटे लेवल पे एंट्री, दमदार वैल्यू, मल्टीपल प्रोडक्ट, क्रॉस सेल अपसेल में आप कमाओगे। कैसी लगी स्ट्रेटजी, ठीक है क्या भाई लोग?